हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुदारिस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा विभाग समाचार की हम बात करेंगे। अगर आपको चाहिए इस वाले पेज की PDF फाइल, तो हम टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप रुदारिस एकेडमी के नाम से सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड, RPSC और उसके अलावा रेलवे भर्तियों सहित तमाम भर्तियों की यहाँ पर बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे जो LDC भर्ती में 583 पदों की कटौती की गई है, उस पर किसने क्या बोला है। पूरा हम इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं गरमाया स्कूली नहीं तो पीस नहीं का मुद्दा। 90 स्कूलों के 350 अभिभावक शिक्षा संकुल पर हुए एग्जुट। दूसरी खबर है जो जॉब रेडी होने की योग्यता निखारे। तीसरी खबर है हमारी यहां पर अभ्यर्थियों को RS के साक्षात्कार का इंतजार। RS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का इंतजार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब तक कार्यक्रम तय करने में जुटा है। आयोग ने RS एवं अधीनस्थ सेवाओं के 1051 पदों के विरुद्ध आयोग ने TSP में 57 और नॉन TSP में 1053 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से उत्तीर्ण किया है। अब इनके साक्षात्कार कराए जाने हैं। आयोग ने 9 जुलाई को परिणाम जारी किया था। अगली खबर है ITI में प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जालौर, ITI जालौर में मैकेनिकल, डीजल, प्लम्बर, वेल्डर, फिल्टर, कोपायम, कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं नेटवर्क मेंटेनेंस, चित्रलवाना एवं सांचौर क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इलेक्ट्रिशियन तथा जसवंतपुरा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन एवं कोपा के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में अधिक जानकारी के आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर है 10वीं पास के लिए रेलवे में भर्ती 30 तक करेंगे आवेदन। जयपुर दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने ट्रेंड अप्रेंटिस पदों को भरने के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए उम्मीदवार इन पदों के लिए 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 432 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्होंने 10वीं कक्षा पास कर रखी हो या फिर संबंधित ट्रेड में ITI NCVT सर्टिफिकेट भी हासिल कर रखा हो। अगली खबर है आत्मनिर्भर बनाने में सहायक शिक्षा नीति, ठीक है। इसके बाद में प्रदेश में नई उच्च शिक्षा नीति के लिए अध्ययन दल गठित किया गया है। अगली खबर है ECG टेक्नीशियन के पद खाली, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। पद का विवरण, ECG टेक्नीशियन कुल पदों की संख्या पर 195, आयु सीमा 48 वर्ष से 1 जनवरी 2021 के अनुसार। आवेदन शुल्क 450, 350, 250 रुपये। पात्रता बायोलॉजी में से 12वीं उत्तीर्ण, ECG टेक्नीशियन में डिप्लोमा, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण, हिंदी एवं राजस्थान संस्कृति की जानकारी एवं अन्य पात्रता। आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2020 तक। नोट, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाइए। प्रतियोगी परीक्षाएं करीब तो ऐसे करें तैयारी। यहाँ पर आए कॉम्पिटिशन के लिए स्टूडेंट साल भर तैयारी करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। अब अगर एग्जाम नज़दीक है तो तैयारी पूरी रखने का दबाव दिमाग पर आने लगता है। अगर सही तरीके से एक शेड्यूल बनाकर टाइम टेबल के अनुसार पढ़ा जाए तो हर तरह के एग्जाम को पास करना आसान है। शुरुआत में एग्जाम का सिलेबस जरूर पढ़े, इसके जरिए आप एक स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक का सब्जेक्ट में समय बांट सकते हैं। इसके बाद रेगुलर पढ़ाई की आदत बना लीजिए। इसके बाद दिमाग में बैठ जाता है कि आपको हर दिन कुछ न कुछ सीखना है, याद करना है, जिसका आपका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने में स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। आपका एग्जाम कितना भी नज़दीक क्यों न हो, लगातार 1 से 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ने के लिए न बैठे। मतलब है कि आपके 1 या 2 घंटे के बाद माइंड फ्रेश करने के लिए आपको जरूरत है। इस प्रकार से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मार्ग दिखाते हैं मानविक विषय। अगली खबर है ट्यूशन केंद्रों पर हो रहा है विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़। नेक्स्ट खबर है BSc पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्सेज के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। मेडिकल के 8 नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। अगली खबर है पेरेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट PVT स्कूल चार्जिंग फीस। स्कूलों के चार्ज फीस के लिए अभिभावकों ने प्रोटेक्शन का रास्ता चुना है। मेडिकल क्षेत्र में कई पदों पर आवेदन का मौका। उसके अलावा नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे 350 अभिभावक। फ्री लॉन्चिंग में अवसर बेशुमार। विषय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रवेश देने के लिए जिले में आज प्रवेश पुत्र परीक्षा का आयोजन किया गया है। अगली खबर, यहाँ पर 1.5 साल से तय नहीं हो सकी है परीक्षा की तिथियाँ। पूरी खबर जान लेते हैं। पटरी से उतरी रेलवे की व्यवस्थाएं। रेलवे ने निकाली थी 1.40 लाख पदों पर भर्ती। देश भर से आए थे 2.43 करोड़ आवेदन। जयपुर रेलवे में देश भर से सभी 47 जोनों में खाली 1.40 लाख पदों पर जल्दी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था। इसके लिए रेलवे ने पिछले साल की शुरुआत में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था।
लेकिन 1.5 साल बाद भी इस रेलवे इस भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सका है। दरअसल इन पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ऑनलाइन आवेदन ले चुका है। इन पदों के लिए देश भर से करीब 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 2,43,01,075 अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किए गए हैं जो इस परीक्षा में भाग लेंगे। सभी जगह ऑनलाइन होंगे परीक्षा। RRB सभी जगह परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन ही करेगा। अगर सब कुछ तय होता है तो मुताबिक चलता तो रेलवे इस परीक्षा का आयोजन करने के बाद एक बार फिर से लंबी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड बना सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड परीक्षा की तारीख ही घोषित नहीं कर सका है। RRB अभी परीक्षा संचालन की एजेंसी की खोज रहा है। रेलवे से जुड़े सूत्रों की मानो तो फिलहाल मंत्रालय ने भर्ती परीक्षा को रोकने के संकेत दिए हैं। उत्तर पश्चिम के RRB अजमेर सहित प्रदेश भर में 21 भर्ती बोर्डों के जरिए इन पदों के लिए परीक्षा आयोजन किया गया था। बता दें कि RRB को पिछले साल नवंबर दिसंबर तक बीच परीक्षा का शेड्यूल जारी करना था। NTPC कैटेगरी में 35,000 पद। इस भर्ती परीक्षा में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पदों पर भर्तियां होनी है। इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में TC, बुकिंग क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, ERC जैसे पद आते हैं। अकेले इस कैटेगरी में 35,000 से अधिक पद है। इसके अलावा लेवल 1 पदों की संख्या 1.03 लाख से भी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर बात कर ले करोड़ों अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क अटका है। इस परीक्षा के लिए देश भर में करीब 2.5 करोड़ आवेदन आए थे। ऐसे में परीक्षा की तारीख तय नहीं होने के कारण से करोड़ों अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क अटका है। ठीक है, अगली खबर है भारत का भविष्य संवारने की कवायद। नई शिक्षा नीति के जरिए गौरव कुमार जो कि लोक नीति विश्लेषक है, इनके द्वारा कहा गया कि भारत का नई शिक्षा नीति के तहत भारत का भविष्य संवारने की कवायद शुरू की गई है। रेंज ऑफिसर के पदों पर करेंगे आवेदन। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पद का विवरण। क्षेत्र पदाधिकारी वन रेंजर ऑफिसर फॉरेस्ट पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत पदों की संख्या 43 से चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा साक्षात्कार शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण से तैयार होता है। लेकिन यहां पर कोई मतलब नहीं है बिहार वाले, क्योंकि हमारे राजस्थान में बाहर वाले जा करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लागू हो जाती है। अगली करते हैं ऑनलाइन जॉब तलाशने में अपनाए नए तरीके। यहाँ पर कोविड महामारी की वजह से अधिकांश लोग स्वयं बाहर निकलने कतरा रहे, खुद जाकर के नौकरी ढूंढने या इंटरव्यू देने में सक्षम नहीं हो। हालांकि इस दौर में जॉब के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमेशा जैसे यूट्यूब के माध्यम से, उसके अलावा अन्य अकेडमी लर्निंग है, इस टाइप से आप अपनी जॉब कर सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है पढ़ाई का मौका जरूर मिलेगा, 18 की उम्र में शादी का सेहत से नहीं है संबंध। प्रधानमंत्री के भाषण से इस मुद्दे पर छिड़ी है चर्चा। अगली खबर है एडमिशन के मामले में सरकारी कॉलेज है खस्ताहाल क्यों है। बात करते हैं कोरोना संक्रमण के चलते अभी स्कूल खोलने की समय सीमा तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। लगभग 25 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं, राजस्थान में 60,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, तो इस टाइम स्कूल खोलना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। बोर्ड ने घोषित की सप्लीमेंट्री परीक्षा की डेस्टिनेशन। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं की कक्षा के सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा 3 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वक्त आपको परखता है, जरूरत है कभी हालात तो कभी मजबूरियों के रूप में, भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं LDC भर्ती की जो 583 पोस्ट की कटौती की गई है उसके बारे में क्या अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम LDC भर्ती में जो 583 पोस्ट कम की गई है उसको लेकर के। LP पंत जो कि एडिटर है राजस्थान दैनिक भास्कर के, आप देख सकते हैं या फिर उनको फॉलो भी कर सकते हैं न्यूज मेन वर्क, यहाँ पर वह दैनिक भास्कर के एडिटर है। उन्होंने इसको लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर 77.5 उनके फॉलोवर है, 455 लोगों को फॉलोइंग करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उपेंद्र यादव सहित तमाम लोग उनको फॉलो करते हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटेसरा आदि भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LP पंत जिन्होंने राजस्थान शिक्षा मंत्री जी LDC भर्ती में गड़बड़ी का आरोप की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दैनिक भास्कर ने लगातार जो LDC भर्ती में 583 पोस्ट कम किए उसके मुद्दे को लगातार उठाया और हमेशा मीडिया के संपर्क में लाया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा उन्होंने कई बार कहा है। आपने देखा होगा डेली हर 2-3 दिन में दैनिक भास्कर के द्वारा 583 पोस्टों की मुहिम उठाई जाती है, और दैनिक भास्कर ही वो समाचार पत्र है जिसने LDC भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हर चीज़ की, चाहे वो बेरोजगार युवा सम्मेलन या फिर कुछ भी हो, कंप्यूटर भर्ती, सब कुछ मतलब उसने आपके लिए किया है। तो यहां पर इन्होंने मांग की LP पंत ने लिखते हुए कहा कि राजस्थान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटेसरा से LDC भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों की जांच हो, क्योंकि यहां पर LDC भर्ती 2018 भर्ती में आरक्षण से छेड़छाड़ हुआ था, 583 पदों का हिसाब ही नहीं है। सामान्य वर्ग के यहां पर 50 के बजाय 46, OBC के 21 के बजाय 17% आरक्षण कर दिया गया था। तो
तो इसके लेकर के यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद RTI लगाई गई थी दैनिक भास्कर के द्वारा, उसमें 100% इन पदों को कम किया गया था। इसको लेकर के छात्रों में काफ़ी रोष है, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटेसरा जी ने कहा था कि मैं इस मुद्दे को अशोक गहलोत जी के सामने उठाऊंगा, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को उठाना तो दूर है। उन्होंने इसको लेकर के कुछ बात भी नहीं की, जबकि खुद उन्होंने ट्वीट किया था और दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में कहा था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक नहीं उठाया। तो इसको लेकर के अब LP पंत जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, जो कि कल का ट्वीट है। उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी बच्चों के साथ खिलवाड़ जो हुआ है उसको दूर करके उनके 583 पोस्ट को जोड़ करके उनके घर में खुशियां दो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।